हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक आज मैं आपको एविएशन के कुछ बेसिक टर्म्स बताने की कोशिश करूंगा जो पायलट ट्रेनिंग में फ्रिक्वेंटली यूज किया जाता है बट सुनने में काफ़ी कंफ्यूजिंग लगता है जैसे लाइसेंस रेटिंग एंडोर्समेंट रिस रिवेलिडेशन ये सारे टर्म्स किसी भी बिगिनर के लिए थोड़े कन्फ्यूजिंग हो सकते हैं तो इनका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है आइए देखते हैं इसमें फर्स्ट है वॉट इज अ पायलट लाइसेंस तो पायलट लाइसेंस का एग्जैक्ट मीनिंग होता है एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें आपका प्रिविलेज लेवल डिफाइंड हो प्रिविलेज मतलब स्पेशल परमिशन या सिंपल लैंग्वेज में परमिशन टू फ्लाई सेम आपके ड्राइविंग लाइसेंस की तरह जो आपको परमिट करता है व्हीकल ड्राइव करने के लिए और ये प्रिविलेज लेवल डिपेंड करता है कि आपके पास लाइसेंस किस टाइप का है जैसे एस पी एल पी पी एल सी पी एल और ए टी पी एल मतलब जो प्रिविलेजेस एक ए टी पी एल होल्डर के पास है वो एक सीपीएल होल्डर एक्सरसाइज नहीं कर सकता सेम सी पी एल होल्डर के पास जो भी प्रिवलेजेस हैं वो एक पीपीएल होल्डर एक्सरसाइज नहीं कर सकता कुछ कंट्रीज में लाइसेंस की जगह सर्टिफिकेट टर्म यूज किया जाता है जैसे कमर्शियल पायलट सर्टिफिकेट तो दोनों टर्म का मीनिंग एग्जैक्टली सेम ही है और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट कि पायलट्स लाइसेंस का मतलब परमिशन टू फ्लाई तो है ही बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप कोई भी एयरक्राफ्ट फ्लाई कर सकते हो क्योंकि उसके लिए आपको रेटिंग लेना पड़ता है जो अगेन डिपेंड करता है एयरक्राफ्ट कैटेगरी एंड क्लास रेटिंग पे इसीलिए नेक्स्ट टाइम आता है रेटिंग रेटिंग तो rating का सिंपल मीनिंग है कि किस स्पेसिफिक एयरक्राफ्ट कैटेगरी एंड क्लास में आप अपने लाइसेंस के प्रविलेजेस यूज कर सकते हो मतलब ये एक ऑपरेशनल प्रिविलेज हुआ जो दिया जाता है नेसेसरी ट्रेनिंग एंड चेक राइट पास करने के बाद तो इन जनरल आप बोल सकते हो कि रेटिंग एक एड ऑन क्वालिफिकेशन है आपके पायलट लाइसेंस में अब देखते हैं एयरक्राफ्ट कैटेगरी एंड क्लास रेटिंग किसे कहते हैं क्योंकि इसी के बेस पे आपका रेटिंग डिफाइन होगा तो एयरक्राफ्ट कैटेगरी का मतलब है क्लासिफिकेशन ऑफ एयरक्राफ्ट बेस्ड अपॉन देयर यूसेज एंड ऑपरेशनल लिमिटेशन जैसे एयरप्लेन रोटर क्राफ्ट रॉकेट पावर्ड पैराशूट एटसेट्रा एटसेट्रा नेक्स्ट है एयरक्राफ्ट क्लास रेटिंग तो एयरक्राफ्ट कैटेगरी के फर्दर सब डिविजन पार्ट को ही एयरक्राफ्ट क्लास कहा जाता है जैसे सिंगल इंजिन लैंड और सिंगल इंजिन सी मल्टी इंजिन लैंड मल्टी इंजिन सी मतलब जैसे पायलट ट्रेनिंग में आप सिंगल इंजिन एयरक्राफ्ट फ्लाई करते हो फॉर एग्जाम्पल डी ए फोर्टी तो ये एयरप्लेन की कैटेगरी के अंडर आएगा और क्लास हुआ इसका सिंगल इंजिन लैंड या आप सी प्लेन फ्लाई करते हो तो उसे आप कहोगे सिंगल इंजिन सी सेम इसी तरह मल्टी इंजिन लैंड और मल्टी इंजिन सी इसीलिए आपने पायलट ट्रेनिंग में सुना होगा सिंगल इंजिन रेटिंग या मल्टी इंजिन रेटिंग तो उसका असली मीनिंग है

जो आपका नॉर्मल रेटिंग का फ्लाइंग मॉड्यूल है उसी में आपको कुछ आवर्स तक इंस्ट्रूमेंट के बेस पे फ्लाई करना है और इसी के साथ आई एफ आर फ्लाइंग टेस्ट पास करना होता है एज पर रूल्स रेगुलेशन एंड रिक्वायरमेंट ऑफ डी जी सी इसके बाद नेक्स्ट आता है टाइप रेटिंग तो इसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये आपको करना होता है सभी टबो जेट एयरक्राफ्ट फ्लाई करने से पहले और जितने भी बड़े कमर्शियल जेट्स हैं जिनका मैक्सिमम ग्रॉस टेक ऑफ वेट 12,500 पाउंड से ज्यादा है उन्हें फ्लाई करने के पहले आपको ये टाइप रेटिंग करना होता है यहाँ पे क्लास रेटिंग टर्म जैसे मैंने आपको अभी बताया था वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा तो सी ट्रेनिंग में आपने जिस भी एयरक्राफ्ट कैटेगरी एंड क्लास में अपनी रेटिंग ली है इन एडिशन टू दैट आपको ये टाइप रेटिंग करना होता है एक्चुअल जेट एयरक्राफ्ट फ्लाई करने से पहले इसके बाद नेक्स्ट टर्म आता है एंडोर्समेंट तो एंडोर्समेंट का मतलब होता है एक अटेस्टेशन या प्रूफ कि आपने रिक्वायर्ड ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली है एज पर रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ डीजीसी फॉर एग्जाम्पल आपने मल्टी एंजिन रेटिंग की चेक राइट पास कर ली है लेकिन अब आपको उसे अपने लाइसेंस या लॉग बुक में एंडोर्स कराना होगा इसके बिना आप अपने लाइसेंस के जो भी प्रिवलेजेस हैं उसे एक्सरसाइज नहीं कर सकते सेम इसी तरह आपको इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशेंसी टेस्ट जिसे बोलते हैं ई उसे एंडोर्समेंट करवाना होता है लाइसेंस में इसके बाद नेक्स्ट टर्म है रिन्यूअल एंड रिवेलिडेशन इसका मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने टाइप रेटिंग की है ए बस ए थ्री ट्वेंटी में अब यहाँ पे दो टर्म एप्लीकेबल होगा फर्स्ट है रिन्यूअल बिफोर एक्सपायरी और सेकेंड है रिन्यूअल आफ्टर एक्सपायरी तो रिन्यूअल बिफोर एक्सपायरी को ही रिवेलिडेशन कहा जाता है मतलब लाइसेंस या रेटिंग की वैलिडिटी खत्म होने से पहले ही आप इसे रिन्यू करवाते हैं तो उसे रिवेलिडेशन कहा जाएगा और रिन्यूअल आफ्टर एक्सपायरी का मतलब हुआ कंप्लीट रिन्यूअल जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने फाइव सिक्स तक कोई फ्लाइंग नहीं की तो अब आपके जो भी लाइसेंस एंड रेटिंग है वो एक्सपायर हो चुके होंगे क्योंकि आपने वैलिडिटी पीरियड के अंदर उसे रिवेलिडेट नहीं किया तो अब आपको उसे कम्प्लीटली रिन्यू करना होगा जिसे रिन्यूअल कहा जाएगा और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट कि किसी भी लाइसेंस या रेटिंग का रिन्यूअल कॉस्ट रिवेलिडेशन कॉस्ट से ज्यादा होता है डिपेंडिंग अपॉन योर टाइप ऑफ एक्सपायरी नेक्स्ट टर्म है फ्लाइंग रिसेंसी तो रिसेंसी का मीनिंग ये है कि जिस भी एयरक्राफ्ट कैटेगरी एंड क्लास में आपने रेटिंग ली है उसमें विद पैसेंजर्स और विदाउट पैसेंजर्स एज अ पायलट इन कमांड फ्लाई करने के लिए आपको कंपलसरी सर्टेन नंबर ऑफ टेक ऑफ्स एंड लैंडिंग्स करना होता है एज अ पायलट इन कमांड विद इन सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम जस्ट बिफोर यू वांट टू फ्लाई मतलब फॉर एग्जांपल आपके पास वैलिड सीपीएल है बट आपने 2 3 इयर्स तक फ्लाइंग ही नहीं की तो अगेन आप फ्लाई करना चाहते हैं एज अ पायलट इन कमांड तो ये रिसेंसी रिक्वायरमेंट आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा और सेम यही रिसेंसी रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल होता है जब आप लाइसेंस एंड रेटिंग इशू करने के लिए अप्लाई करते हैं रिन्यूअल के लिए अप्लाई करते हैं या कन्वर्जन के लिए अप्लाई करते हैं तो इन सारे केसेस में रिसेंसी रिक्वायरमेंट टर्म एप्लीकेबल होता है इसके बाद आता है इंस्ट्रूमेंट रिसेंसी मतलब जिस भी एयरक्राफ्ट में आप आई फ्लाइंग करना चाहते हैं ज फ्लाइंग विदेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट ओनली तो अब आपको एज अ पायलट इन कमांड या को पायलट एक्ट करने के लिए आपके पास करंट इंस्ट्रूमेंट रेटिंग होना जरूरी है जिसके लिए आपको इंस्ट्रूमेंट फ्लाइट टेस्ट पास करना होता है इसके बाद टर्म आता है फ्लाइट रिव्यू किसी भी पायलट लाइसेंस के प्रविलेज एक्सरसाइज करने के लिए आपको एवरी ट्वेंटी फोर मंथ फ्लाइट रिव्यू करवाना होता है एस पर रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ डी जी सी ए इसमें आपके लाइसेंस के टाइप के अकॉर्डिंग आपको स्किल टेस्ट या प्रोफिशिएंसी चेक पास करना होता है इसके बाद नेक्स्ट टर्म है रिकरेंट ट्रेनिंग देखिए एक बार आप पायलट प्रोफेशन में आ गए तो रिकरेंट ट्रेनिंग आपको लाइफ लॉन्ग करना होता है करेंट एंड अपडेटेड रहने के लिए विथ लेटेस्ट रूल्स रेगुलेशन एंड प्रोसीजर्स तो अगर आप कंटिन्यू फ्लाई करना चाहते हैं एज अ पायलट इन कमांड या को पायलट दोनों केसेस में आपको यह ट्रेनिंग करना होता है और इस ट्रेनिंग का बेसिक मोटो होता है आपको ट्रेन एंड चेक करते रहना कि आपके अंदर रिक्वायर्ड लेवल ऑफ नॉलेज स्किल एंड अभी भी मेंटेन्ड है कि नहीं आप कंपनी के लिए स्टिल वर्थ हो कि नहीं ये चेक किया जाएगा मैं इसे ज्यादा डिटेल में कवर नहीं करूंगा क्योंकि अभी आपके लिए ये सब बहुत ज्यादा हो जाएगा बट ब्रीफली आपको बता देता हूँ की इसमें आपको एवरी सिक्स मंथस पायलट प्रोफिशियंसी चेक इयरली इंस्ट्रूमेंट रेटिंग चेक इयरली लाइन रूट चेक ईयरली सिक्योरिटी एंड सी प्रोसीजर ट्रेनिंग एवरी ट्वेंटी फोर मंथस में फ्लाइट रिव्यू अगर आप लंबे समय तक फ्लाइंग से ब्रेक लेते हैं किसी वजह से तो उसके लिए अगेन आपको अपनी रैंक के हिसाब से डिफरेंट तरह के ट्रेनिंग एंड रिसेंसी रिक्वायरमेंट फुलफिल करने होते हैं इसके अलावा भी कई तरह के ट्रेनिंग्स करने होते हैं रेगुलर बेसिस पे तो ऑल इन ऑल ट्रेनिंग एग्जाम्स एंड चेक्स आपका लाइफ लॉन्ग चलता रहेगा जब तक आप पायलट प्रोफेशन में रहना चाहते हैं तब तक तो आज का वीडियो मेरे ख्याल से थोड़ा ज्यादा हैवी हो गया बट पायलट ट्रेनिंग में आपको ये टर्म फ्रिक्वेंटली सुनने को मिलेंगे और ये सब ज्वाइनिंग के पहले आपको कोई भी फ्लाइंग स्कूल या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं बताने वाला इसीलिए मुझे लगा कि आपको इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ में पता होना चाहिए एंड आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा सो लॉट फॉर वॉचिंग मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में तब तक स्टे फिट कीप लर्निंग एंड टेक केयर